गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रजनी गहलोत, विजिट इंग्लिश फ्रॉम भावराव देवरा विद्या मंदिर, भावराव देवरा सरस्वती विद्या मंदिर. द लास्ट वीडियो इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दर वीडियो वी केम टू नो अबाउट द एड्रेस, द व्हाट वाज द एड्रेस एंड बाय हुम एंड टू हुम दिस एड्रेस वाज गिवन एंड व्हेन वाज इट गिवन टू द नैरेटर. ओके, देर वॉज द description of the first visit of Mrs. S's daughter and how she was treated by the Mrs. Darling at that address, and she went into the flashback, she went into the pre-war when she returned to her home. Now let's come to the next part of this story, second visit to Mrs. Darling's house. First visit of the narrator was vain because Mrs. Darling refused her to meet her. Then again she decided to go into that address. So this was the second visit. Narrator's visit, first visit was not rewarding. Miss that has become pain, useless tha. She paid a second visit to see Mrs. Darling. Unhone fir se koshish ki Mrs. Darling se milne ki. This time she found her 15 years old daughter in the house. इस बार जब वो सेकेंड विजिट उन्होंने की तो घर पर मिसिज डॉर्लिंग नहीं बल्कि उनकी बेटी 15 years की थी जो लगभग वो घर पर मिलती है. मिसिज डॉर्लिंग वॉज नॉट देयर, शी डिसाइडेड टू वेट फॉर मिसिज डॉर्लिंग. उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है चलो वो मिसिज डॉर्लिंग का वेट करेंगे. नाउ द डॉटर सीज हर मदर्स बिलोंगिंग्स. अब ये डॉटर जो है उनकी मिसिज डॉर्लिंग की जो डॉटर है वो उन सब चीज़ों को उसे दिखा रही होती है जो कि नैरेटर की मदर की थी. अब बेटी तो नहीं जानती थी मिसिज डॉर्लिंग की कि ये सामान उनका अपना नहीं बल्कि जिसे वो दिखा रही है वो उनका सामान है. होता है ना कुछ बच्चों में मतलब शो ऑफ करने का, और ख़ासकर उनमें जिनके पास कुछ होता नहीं है और उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हो जिनके बारे में उन्होंने कभी ना देखा हो ना उनका यूज जानते हों. तो वो कोई आ जाता है तो उसे देखो हमारे घर में ये भी चीज़ें, क्या तुम्हारे घर में है, क्या तुमने कभी ऐसी चीज़ें देखी एंटिक प्लेसेस, इतनी एंटिक प्लेट्स एक्सेट्रा. तो द नैरेटर फाउंड हरसेल्फ इन द मिडस्ट ऑफ थिंग्स. जब नैरेटर उस घर के अंदर एंटर करती है और वो भी उस रूम में, तो वो अपने आप को उन चीज़ों से घिरा हुआ पाती है जो कि इसकी फैमिली थी, दैट बिलोंग्स टू हर मदर. दो दैट वॉज अ स्ट्रेंज रूम बट दैट वॉज लुकिंग फैमिलियर. हालांकि वो रूम उसके लिए एकदम अजनबी था, पहली बार वहाँ पर आई थी, बट ऐसे लग रहा था कि वो उससे परिचित हो. क्यों? क्योंकि पूरे एटमोसफियर में सारी चीज़ें जो थी उनकी थी. वो वंस दे बिलोंग टू हर मदर, कभी वो उनकी मदर की हुआ करती थी. शी वॉन्टेड टू सी देम अगेन, वो उनको फिर से देखना चाहती थी, दैट्स वाई सी केम देयर. ऑल दोज थिंग्स वर टेकन अवे बाई मिसिज डॉर्लिंग एंड कैप्ट देयर इन हर हाउस. She was pained to know that they were arranged tastelessly. Narrator को बहुत दुख होता है कि वो जो चीज़ें थी वहाँ पर अरेंज की थी बहुत ही tastelessly, मतलब उनको अरेंज किया गया था. तो मिसिज डॉर्लिंग को बहुत दुख हुआ कि जो चीज़ें थी उसकी इतनी कीमती सामान वो बहुत ही tasteless वे में, मतलब किसका कहाँ यूज होना है उन लोगों को नहीं पता था. तो उनको जो अच्छा लगा जहाँ जैसे रखना था उसको वहाँ रख दिया था, और जो उसके आसपास का एटमोसफियर था बहुत ही गंदा था, फर्नीचर टूटा फूटा, मग्गी उसमें से स्मेल आ रही थी. शी वॉज पेंड टू नो दैट दे वर अरेंज टेस्टलेसली. द अगली फर्नीचर एंड द मग्गी स्मेल अपसेट हर, और जो गंदा सा फर्नीचर था जो उसकी स्मेल थी वो उसको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही थी. द गर्ल ब्रॉट टी फॉर हर, वो लड़की जो है उसके लिए चाय लेकर आती क्योंकि उसने अपनी माँ के लिए पहले से ही बनाकर तैयार रखी थी. तो इवन जो चाय आई थी कप में वो टी पॉट जो था और जो कप्स थे वो भी नैरेटर के थे. देन शी ओपन्ड अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट ऑफ इट. उसके बाद वो एक ड्रॉअर से बॉक्स से को ओपन करती है और उसमें से कुछ स्पून निकालती है. द नैरेटर ऑल्सो लुक्ड एट द एंटिक प्लेट्स. नैरेटर ये देखो जो प्लेट्स वगैरह लगी हुई हैं इनकी तरफ भी देखती है. शी न्यू दैट ऑल द कटलरी नाइफ्स फॉक्स एंड स्पून्स वर ऑफ सिल्वर. वो जानती थी कि जितने भी कटलरी है वो जो स्पून निकाल के ला रही हैं, जो नाइफ्स हैं, स्पून्स हैं, फॉक्स हैं, वो सब किसके हैं? सिल्वर के हैं, वो चांदी के बने हुए थे. हर मदर हैड टोल्ड हर अबाउट देम व्हेन शी वाज अलाइव. जब ये चीज़ नैरेटर भी नहीं जानती थी दैट द कटलरी विच दे हैड टू यूज फॉर देयर डिनर ऑफ ब्रेकफास्ट दे वर मेड ऑफ सिल्वर. उसको नहीं पता था, लेकिन ये बात एक बार उनकी मदर ने बताई थी जब उनसे पॉलिश करने के लिए कहा था नैरेटर से, तब नैरेटर को ये रियलाइजेशन हुआ कि ये सिल्वर का है.
Mrs. Darling acts like she don't know her and avoid the Mrs. daughter and tries the girl to bring him back, but she finds them. Yes, Mrs. Darling तो चाहती नहीं थी कि वो उसको वापस उन चीज़ों को दें, लेकिन जब नरेटर ने अपने उन सब चीज़ों को टेस्टलेस वे में देखा कि दे हैव लॉस देयर वैल्यू, तो नरेटर का भी इंटरेस्ट जो था वो ख़त्म हो गया. और फिर नरेटर ने भी सोचा कि इनके यहाँ तो स्पेस है फिर भी, मतलब इनकी वैल्यू नहीं है, मेरे पास तो इतना बड़ा कमरा भी नहीं कि मैं इनको सही जगह दे सकूँ, इनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इनका यूज कर सकूँ. देन सी डिसाइडेड टू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स, इवोक मेमोरीज ऑफ हर ओल्ड लाइफ, सी डिसाइड टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजॉल्व टू मूव. और तो उसने डिसाइड किया कि वो इन सब चीज़ों को यहीं छोड़ देगी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी. सी डिसाइडेड टू मूव ऑन इन हर लाइफ टू फॉरगेट हर पास्ट. So now she wanted to forget that address and those belongings of her mother also to move in her life. Okay. So this was the return of the narrator to her future. So there are some questions, important questions of this chapter. Have you come back? Said woman. I thought that no one had come back. Does this statement give some clues about the story? If yes, what is it? कि जब नैरेटर ने ये बात कही कि क्या तुम वापस आ गए, आई थॉट दैट नो वन हैड कम, इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे तो लगा था कोई भी नहीं आएगा. तो दैट इज टर्न गिव सम क्लूज, क्या इसी स्टोरी से आपको कुछ क्लू मिलता है? अगर हाँ तो क्या है वो, इट डिपेंड्स ऑन यू आप कैसी क्लूज आप एक्सप्रेस करते हैं. लाइक द कोटेड स्टेटमेंट गिव्स अस अ क्लू अबाउट द स्टोरी. इट मीन्स दैट द टू फैमिलीज वर एक्विंटेंस विच न्यू ईच अदर एंड स्टेड नियर बाई, आसपास कहीं रहती थी ड्यूरिंग द वॉर, मतलब परिचित थी. इससे ये पहले था कि मिस दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब नैरेटर ने ये स्टेटमेंट बोला तो क्लियर हो गया मिस दे नो टू ईच अदर, बोथ ऑफ देम न्यू टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को जानते थे. ड्यूरिंग द वॉर मैनी फैमिलीज लेफ्ट द लैंड टू टेक रिफ्यूजी इन अदर प्लेसेस. भाई आप भी जानते हैं युद्ध हो जाए, कोई डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं तो रिफ्यूजी के रूप में रहना पड़ता है क्योंकि सब कुछ नष्ट हो जाता है. तो उस समय नैरेटर को भी कहीं एज ए रिफ्यूजी रहना पड़ा किसी जगह पर. जब वो थोड़ा सेट हो गई लाइफ में, सम ऑफ द फैमिली स्टेड बैक एट द सेम प्लेसेस, तो उसके बाद वापस मतलब उन्हीं स्थानों पर आ गए, उस जगह पर नहीं, क्योंकि घर वर तो सब बर्बाद हो चुके थे. मिसिज डॉर्लिंग थॉट दैट फैमिली ऑफ मिसिज डॉर्लिंग एज डाइड ड्यूरिंग द वॉर एंड दैट्स इज व्हाई शी गेव सच अ कोल्ड रिएक्शन टू द गर्ल हु केम टू विजिट हर. तो अब क्योंकि वो वापस आ गई थी तो मिसिज डॉर्लिंग ने इसीलिए इस तरीके का एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट बोला पति कोल्ड होकर कि ओह ये वापस आ गई, उम्मीद तो थी नहीं है ना सारा सामान अब कहीं वापस ना करना पड़ जाए. द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर. ये मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय सारी चीज़ें बता दी थी कि कैसे स्टोरी को प्री वॉर और पोस्ट वॉर में बांटा गया है. ओके, सो यू कैन टेक एक्सटेंस सॉर्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. And this was the story of the address.